मेट्रो में सफर करने वालों के लिए डीएमआरसी का नया नियम यात्रियों की जेब ढीली कर सकता है। अब नए नियम के चलते 1 अप्रैल से स्मार्ट कार्ड में रिचार्ज करवाए गए रुपए रिफंड नहीं किए जाएंगे। भारतीय रिजर्व बैंक के निर्देश के मुताबिक डीएमआरसी स्मार्ट कार्ड में रिचार्ज करवाए गए रुपए रिफंड नहीं करेगी। डीएमआरसी का यह नया नियम 1 अप्रैल से लागू होगा। मेट्रो के स्मार्ट कार्ड को इंटर ऑपरेबल यानी कई जगह चलने के अनुकूल बनाने के लिए यह फैसला लिया गया है। दिल्ली मेट्रो के अनुसार 1 अप्रैल के बाद खरीदे गए नए कार्ड की वापसी पर बाकी बची हुई राशि का रिफंड नहीं मिलेगा। पुराने यानी पहले खरीदे गए कार्ड की वापसी पर भी कोई रिफंड नहीं होगा। इसका मतलब साफ है कि आपको पूरी राशि को यात्रा करके ही खर्च करना होगा। डीएमआरसी ने यह साफ किया है कि 1 अप्रैल 2017 के बाद कार्ड वापस करने पर जरूरी चार्ज की कटौती के बाद सिक्योरिटी डिपॉजिट मनी वापस की जाएगी। हालांकि पुराने कार्ड धारकों के लिए 31 मार्च तक की मोहलत दी गई है, यानी 31 मार्च तक यदि आप अपने कार्ड वापस करते हैं तो मौजूदा नियम के तहत आप अपनी बाकी बची रकम को वापस ले सकेंगे। इसके अलावा स्मार्ट कार्ड पर अधिकतम 2000 रुपए की राशि ही रिचार्ज कराई जा सकेगी। तो नए नियम से साफ है कि अब 1 अप्रैल से मौजूदा और नए कार्ड नॉन रिफंडेबल कार्ड्स में तब्दील हो जाएंगे। देखते रहिए डीबी लाइव।